अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिज़ा मलिक है। मेरा ताल्लुक़ टीचर एजुकेशन डिपार्ट से है और एजुकेशन से मुतालिक ही सर से इंटरव्यू लेना है। मेरे पास पॉलिसी 1998 एजुकेशन पॉलिसी है एलिमेंट्री लेवल की, और हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तलत साहब मौजूद हैं। और डॉक्टर तलत साहब PhD होल्डर भी हैं कराची यूनिवर्सिटी के, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतना कीमती वक्त अपना मुझे दिया। और सर, मैं भी बड़ा आपका मतलब शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मौका दिया, और ये स्टूडेंट्स के लिए ये काविश हैं आपकी, बड़ी अच्छी बात है कि आप, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये सब स्टूडेंट्स से काम आएंगी, बड़ा प्रोडक्टिव वर्क है जैसा मैंने पहले भी कहा, तो शुक्रिया भी आपका, आपका भी बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे, और मैं कर रहा हूँ। सर, तो मेरा सवाल है आपसे कि एलिमेंट्री लेवल पर पॉलिसी 1998 और गुज़िश्ता पॉलिसियों में नुमाया फ़र्क क्या नज़र आया आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो पॉइंट्स है उसके अहम पॉइंट्स हो ना 98 के, वो पता होना चाहिए। 98 में जो पॉइंट्स, सबसे पहला उसमें बताया कि आपने नज़रियाती उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जो पहलू है उसका, एक मुसलमान और जो हमारा नज़रियात है जिसके तहत हमारा जो है मुल्क बना है। इसके अलावा हमें जो है नाजरा की तालीम जो है आम करनी है। फिर एक और चीज़ थी कि 5, 6 और 5वीं क्लास से ऊपर है ना, नाजरा जो है कुरान जो है उसको ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा जाएगा, ये एक शर्त ये भी थी। फिर एक शर्त ये भी थी कि जितने भी हमारे स्टूडेंट ड्रॉप आउट हैं उनको भी खींच के ला के दोबारा जो है उसमें सिस्टम में शामिल करना पड़ेगा। एक कंडीशन इसमें ये भी थी कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको नए प्राइमरी स्कूल जो हैं वो खोलने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो नए बच्चों को लेके आएंगे तो फिर हमें, क्योंकि 1,45,000 जो स्कूल थे प्राइमरी, तो मज़ीद 1,90,000 प्राइमरी स्कूल और खोलना पड़ेंगे। ये कंडीशन थी उसमें से कि 1/3 जो है फीमेल के लिए होगा। फिर इसमें एक कंडीशन और थी कि एलिमेंट्री भी जो है 45,000 नए स्कूल खोलने पड़ेंगे। इसमें एक पॉइंट और ये भी था कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है जिसे आप कह लें, कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के जो इदारे इंस्टीट्यूशन है उसमें तकरीबन 2.5 लाख के करीब इंस्टीट्यूशन नए खोले जाएंगे, सेंटर्स। फिर उन्होंने एक चीज़ उसमें ये भी रखी थी कि 1997 में जो हमारा जो लिटरेसी रेट था 37 या 38 के करीब था, अप्रोक्सीमेट इतना था, तो इसको 2002 तक 56 और 2010 तक इसको जो है 71 तक कर दिया जाए। इसी तरह इन्होंने एक कंडीशन और भी रखी थी कि जो इनरोलमेंट है वो 71% था उस टाइम पे, जो कि बढ़ा के जो है तकरीबन उसको अबव 100 कर दिया जाए, और जो लोग ड्रॉप आउट हो गए हैं उसको भी ले जाए। तो ये भी एक कंडीशन थी कि क्योंकि तकरीबन 50 मिलियन स्टूडेंट जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, उनको दोबारा खींच के लेके आना पड़ेगा एजुकेशन के उसमें। और एक माहिदा जो कंट्रीज़ के दरमियान होता, पाकिस्तान भी उसका मेंबर था, तो जितने भी उसके मेंबर थे उनके लिए लाजमी था कि वो अपना लिटरेसी रेट जितना डबल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है 2000 तक, जो कि मेरे ख्याल से नहीं कर पाए हम लोग। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की जहाँ बात की जाए, इस पॉलिसी में यूनिवर्सिटी के लिए जो सब कैंपसिस बनाने की इजाज़त दी गई, और ये बताया गया कि 17 से 23 साल के जो बच्चे हैं उनमें 7% बच्चों को एडमिशन यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा, और 800 साइंस की इक्वल नुमाइंदगी होगी, कोटा रखा जाएगा। ये किसी में नहीं था, कैंपसिस किसी के में और पॉलिसीज में नहीं था। इसके अलावा ये भी था कि जो हमारा जो प्रोडक्टिव वर्क है, रिसर्च, और बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट एजुकेशन के पॉइंट्स के लिहाज से थे पॉइंट्स। मतलब आपके नज़रिए से ऐसी क्या ख़राबियाँ थी उस पॉलिसी में जो नई पॉलिसी बनानी पड़ी? जो पॉलिसी जो थी उसमें जो माहिरीन तालीम जो थे उनके नज़रिए के मुताबिक, उनके ख़्यालात के मुताबिक लिटरेसी रेट जो है हासिल नहीं कर पाए, फीमेल ड्रॉप जो रेट था वो भी होपलेस ला, प्राइमरी स्कूल जो थे वो नए नए बनाए गए, नए प्राइमरी स्कूल को ट्रेन टीचर रखे गए,
तो ये भी एक पॉइंट था। ट्रेनिंग पे भी इस पॉलिसी में जोर दिया गया था, बहुत से पॉइंट थे। तो इस चीज़ को रिशेप करने के लिए जो रिज़र्वेशन थी, तो नई पॉलिसी 2009 में जो इसको एड्रेस किया गया था। सर मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि असातिज़ा के ट्रांसफ़र के बारे में जब फैसला किया गया था और लोकल टीचर्स को भर्ती किया जाएगा, इस फैसले पे कितना अमल हुआ? नहीं, इन फैसलों पे तो कोई अमल दिखाई नहीं देता यहाँ पर, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि करीब इलाकों के लोग जो हैं टीचर्स, उनको वहाँ अपॉइंट करा जाए, फीमेल को अपने घर के करीब करा जाए और लोकल नुमाइंदगी ज़्यादा हो। लेकिन बदकिस्मती से आप कराची में देखें, किसी भी एजुकेशन किसी भी फील्ड में देखें, लोकल बराए नाम है। कराची से बाहर के लोग सारे, मैं ये नहीं कह रहा सब पाकिस्तानी है, मगर एक तनासुब रखा जाता है जो कि नहीं रखा गया। एजुकेशन में भी यही है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहा गया, लेकिन वो अमल दरामद इतना नज़र नहीं आता मुझे। सर तीसरा सवाल है कि एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए सहूलियात जैसे पानी, वॉशरूम वगैरह, लाइब्रेरी की जब बात को बहस में लाया गया था, लेकिन अब तक उन सहूलियात में सहूलियात नज़र क्यों नहीं आ रही? देखिए, पाकिस्तान में मैं और आप पाकिस्तान के शहरी हैं, और जो लोग देख रहे हैं वीडियो को उनके लिए मैं एक सवाल रखता हूँ, क्या आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कहीं गई नहीं नज़र आ रही? हमारे जो मुल्क की बदकिस्मती रही है कि मैंने बात की थी एक 72 पॉलिसी की, एक मैं इंटरव्यू दे रहा था एक जगह, बेहतरीन पॉलिसी थी, और आज उसके समरात हैं। जो कुछ आपको नज़र आएगा उस पॉलिसी में था वो सब नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि नाजरा क्या, एटॉमिक प्लान क्या, और दूसरे वो वज़ीर आज़म भुट्टो साहब उस ज़माने की पॉलिसी है वो, तो उसको इम्प्लीमेंट करते, आगे शेप देते, तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता। लेकिन बदकिस्मती रही है तो यही पॉलिसीज़ का ये नाकाम क्यों हुई है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और उसकी वजह करप्शन है, अहलियत नहीं है। अहल और अच्छे लोग आगे सामने आएंगे तो ये शिकायत भी नहीं रहेगी। सर ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। सर चौथा सवाल है कि एलिमेंट्री स्कूल्स की तादाद बढ़ाने और अपग्रेड को बढ़ाने के पॉइंट को शामिल किया गया था, जिसके मुताबिक 2010 तक स्कूल्स की तादाद 15,000 से 60,000 तक पहुँच जाएगी, क्या ऐसा हुआ? 2000 तक इस टारगेट को पूरा किया जा सका? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि 45,000 नए जो एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशन बनाने की बात हुई थी, लेकिन अगर आप ख़ुद देख लें 45,000 का नज़र आ रहे हैं आपको कहीं? तो अगर 45,000 में अगर 1,000 भी बने होते नज़र आते, तो मुझे तो नहीं समझ आ, मेरा हो सकता है, मेरा अपना मेरी राय है कि जो पर्सन मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें ये कि इम्प्लीमेंट नहीं होता हुआ नज़र आया मुझे, इसी वजह से ये गया। सर मेरा आपसे पांचवा सवाल है कि आप इस पॉलिसी के हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या ये पॉलिसी कामयाब तर रही या नहीं? जो माहिरीन कहते हैं उसके लिहाज से तो कामयाब नहीं रही, क्योंकि इसी को रिशेप करा गया और जो रिज़र्वेशन थी 2009 की पॉलिसी इसी वजह से बनाई गई। तो बुनियादी तौर पे इम्प्लीमेंट पाकिस्तान में तो कोई तालीमी पॉलिसी कामयाब नज़र ही नहीं आती हमें, पार्शली कहीं कहीं कामयाबी है। 2009 की पॉलिसी किसी हद तक कामयाब नज़र आई है, बहुत से पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं कहूँगा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 72 की उसमें भी कुछ पॉइंट नज़र आते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो कामयाबियाँ नहीं मिली जो कि मिलना चाहिए थी, और उसकी वजह करप्शन और अहलियत को फ़रोग ना देना और बहुत सारे अवामिल हैं जो हम और आप तवक्कु करते हैं कि हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला अच्छे टैलेंटेड लोग आ गए हैं, और ये शिकायत फिर नहीं रहेगी। सर बेहद शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप